हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीक में हम बात करने वाले चार्ट ऑफ द डे या फिर आप कह सकते हैं एक एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलर कंपनी में बनती नजर आ रही है ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 15 यहां पर गिर गई है और ऐसी कंपनी जब ये 15 परसेंट गिरती है ना तो ये क्या करती है थोड़ा सा गिरती है फिर भागती है थोड़ा सा गिरती है फिर भागती है तो बहुत अच्छा सपोर्ट भी यहाँ पर ले रखा है तो उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे जानेंगे उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन बना ली है आज के दिन में मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई है आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की की सलाह लेके यहाँ पर पोजीशन बनाइएगा और यहाँ पर सीखेगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं बाकी यहाँ पर प्ले लिस्ट है यहाँ पर प्ले लिस्ट को गोत्र कल के डेट में भी यहाँ पर थी वीडियो आई थी यहाँ पर इन वीडियोज को जाके देखिए अच्छा खासा गेन आपको फ्यूचर में मिलता हुआ नजर आएगा तो आइए वीडियो की तरफ तो अगर हम बात करते हैं जिस स्टॉक से रिलेटेड तो उसका नाम है गुजरात गैस गुजरात गैस की अगर हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों से रिलेटेड तो यहाँ पर आपको पता चलेगा गुजरात गैस इज गवर्नमेंट कंपनी ऑफ ऑफ नोन एज ए जी एस पी सी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लिमिटेड जी डी एन एल के नाम से जाना जाता है जी जी एल इज इंगेज गुजरात गैस लिमिटेड इज इंगेज इन इन द बिजनेस ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया द बिजनेस ऑफ नेचुरल गैस इनवॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस एंड सप्लाईज ये मतलब ये सारी की सारी चीजें बता रहा है कि यहाँ कहाँ किसके कहा पर ये इन्वॉल्व है क्या क्या करती है जैसे कि हमें पता है सी एन जी पी एन जी कनेक्शन डोमेस्टिकॉन कमर्शियल करती हुई नजर आती है एरिया ऑफ साउथ साउथ एंड 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 सेंट्रल गुजरात गुजरात मतलब अगर बात करें में ये काम करती हुई नजर आती है तो ये कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी लेने के लिए हमें यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाना होगा देखिए ये जो रेस्टोरेंट है ओके okay, रेस्टोरेंट पहले यहाँ पर क्या होता था पहले यहाँ पर सिलेंडर यूज किया जाते थे यहाँ पर बड़े बड़े सिलेंडर रहते थे तो so, वहाँ पर से कुकिंग की जाती थी बट अब क्या हो गया कि यहाँ पर डायरेक्ट पाइपलाइन यहाँ पर लगा दी गई है ओके डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट में एज वेल एज बात करें हाउसेस में जैसे आपने दिल्ली में सुना होगा आई काम करता हुआ दिखाई देता है uh, मुंबई में आपको एम काम करता हुआ दिखाई देता है इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गुजरात में एज वेल एज अमृतसर में इवन ये अमृतसर में ही पहुंच गया तो यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये गैस पाइपलाइन यहाँ पर घरों में एज वेल एज इंडस्ट्रियल एरिया में एज वेल एज रेस्टोरेंट में ये लगती हुई नजर आती है यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी क्या क्या काम करती हुई दिखाई देती है तो अगर हम यहां पर देखते हैं इस कंपनी से रिलेटेड तो देखिए घरों में भी इसकी गैस पाइपलाइन जो जो कि कि पर पर आप देख रहे हैं हैं ये यूज आ, लोग यहाँ पर करते हुए दिखाई देते आजकल अच्छी भी बात है यहाँ पर सिलेंडर कब खत्म हो जाता है कब नहीं खत्म हो जाता है घर में आपको पता ही है तो यहाँ पर इससे निजात पा लेंगे एज वेल एज बात करें तो देखिये सी में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है ये और यहाँ पर अच्छे पर इंडस्ट्रियल में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है जैसे कि देख सकते हैं पीएनजी डोमेस्टिक और

जाती है एज वेल एज यहाँ पर ये फेस्टिवल्स से लकी ड्रॉ वगैरह भी ये निकालते रहते हैं कस्टमर्स को लुभाने के लिए तो इनकम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाके आप एक बार देख सकते हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर आ, स्प्लिट की बात करें तो दो में यहाँ पर एक बार स्प्लिट भी आ चुका है बोनस की बात करें तो कोई बोनस नहीं दिया डिविडेंड हम देखे तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर डिविडेंड भी देती आ रही है काफी टाइम से यहाँ पर 2017 में भी दिया 2018 19 20 21 इक्कीस में भी यहाँ पर डिविडेंड कंपनी हमेशा सितंबर के महीने में यहाँ पर देती हुई नजर आती है एक्स डेट की बात करें तो यहाँ पर डेट भी इनकी कल परसों की डेट में है इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप यहां पर ये यह लार्ज कैप कंपनी है मार्केट कैप की बात करें फोर्टी एट थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीज की मार्केट कैप है पी रेशो -E की बात करें ट्वेंटी एट का यहाँ पर पीई -E है आर ओसी की बात करें थर्टी फोर परसेंट का आर ओ सी आरोप काफी बेहतरीन माना जाता है डेट की बात करें नाइनटीन परसेंट का ही डेट है ना के बराबर यहाँ पर डेट है कोई शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है तो ये सारे के सारे इसके अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आज की डेट में अगर देखते हैं इसका फिफ्टी टू भी खाई तो सात सौ सत्तासी रुपए पे जाता हुआ दिखाई देता है

बात करें इसके इसके अलावा IGL से भी हम कंपेयर करते हैं तो IGL की बात करते हैं तो देखिए IGL से मार्केट कैप GGL की ज्यादा है P E रेशों की बात करें P E रेशो लगभग सेम ही है और ROC ROE की बात करें तो ये कंपनी ज्यादा नजर आती है GGL तो हम GGL की अगर हम बात करते हैं गुजरात गैस की आ, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये कंपनी देखिए लार्ज कैप कंपनी में यहाँ पर दिखाई देती है और आर ओसी काफी बेहतरीन है और इसी चीज से यहाँ पर जज भी किया जाता है सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पर देखेंगे ईयर क्वार्टरली बेसिस पे तो पिछले बारह क्वार्टर का जो रिजल्ट है ना वो यहां पर आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर दो में ओके जब यहाँ पेंडेमिक आया था उस टाइम यहाँ पर सबसे कम होता हुआ दिखाई दिया फिर उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर डबल होता हुआ डबल से ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया और पिछले दो क्वार्टर की बात करें तो हाइस्ट एवर ही यहाँ पर सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट की बात करें वो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी के छह साल का यहाँ पर रिजल्ट है तो 2015 में 900 9006 करोड़ की यहाँ पर सेल्स थी उसके बाद 2016-17 में थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई फिर उसके बाद से दो से बात करें उसके बाद से एक तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पांच हजार छह हजार और यहाँ पर थोड़ा आपको पता ही है पेंडेमिक का असर था बट अगर पिछले बारह महीने की पिछले बारह बारह महीने की सेल्स की बात करें तो पर देख सकते हैं लगभग हाईएस्ट हाइएस्ट है बारह हजार करोड़ के आसपास की और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी सोलह हजार करोड़ का है और हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कंसिस्ट तो ऐसी कंपनी जो आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आए जिसमें ओके जहां पर आपको लगे कि देखिए आपको क्या लगता है कि कुछ ये जो गैस के पाइपलाइंस है वो सब गन में पहुंच गई है नहीं अभी बहुत सारे पार्ट में यहाँ पर रहा है ओके धीरे धीरे ये पूरे गुजरात को भी कैप्चर कर लेंगे ना तो यहाँ पर याद रखिएगा ये कंपनी बहुत बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी और अमृतसर में भी आ गया तो ओबीसी बेहतर

दो हजार करोड़ की बोरिंग थी वो बिल्कुल ही घटा दी है बारह सो करोड़ के आसपास घटा दिया है और आठ सौ उनचास करोड़ की बोरिंग रह गई है अब फिक्स एसेट देखिए इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वर्किंग प्रोग्रेस में छे सौ अट्ठासी करोड़ रुपए अभी भी लगे हुए हैं अड़तालीस करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कैश की बात करें तीन सौ इक्कीस करोड़ के आसपास का इनके पास कैश भी है और यहाँ पर जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है जो की आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आर की बात करें जो हमेशा देखिए बढ़ती ही नजर आ रही है तो ये चीज बताती है कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है

तो कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छे हाथों में ही है एटलीस्ट एज वेल एज बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास यहाँ पर तेईस परसेंट की रही है और लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी हिस्सेदारी हिस्से में भी तो हिस्सेदारी के पास नजर आती है और ऑपरेटर भी इसमें ज्यादा एक्टिव रहते हैं अब आते हैं कुछ टेक्निकल्स के बेस पे पैटर्न के बेस पे तो टेक्निकल तो देखिए ऐसा कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग ये शेयर पंद्रह परसेंट यहाँ पर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है आर की बात करें तो देखिए फोर्टी के आर पे यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है और जब भी देखिए आर इसी के आसपास आती है ना तो ये कंपनी का जो ये कंपनी का शेयर है फिर दोबारा भागने लग जाता है एक चीज ये दूसरी चीज की बात करें तो ये शेयर जब भी फिफ्टी डीएमए के आसपास है थोड़ा सा भी गिरता है ना थोड़ा सा कंसोलिडेट करके बहुत तेज भागता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर और हर बार अपने देखिए यहाँ पर भी था पांच सौ सत्तर रुपए पे शेयर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें मार्च से लेके मई मे तक मतलब एक से दो महीने में ये शेयर कुछ भी ट्रेड नहीं किया बल्कि नीचे जाता हुआ दिखाई दिया बट एक साथ ही भागता हुआ दिखाई दिया और एक साथ यहाँ पर पांच सौ रुपये का शेयर कितने रुपए पे सात सौ आठ सौ रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया तो इसी तरीके से अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज

की बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी क्यों रहेगी क्योंकि इसकी बैलेंस शीट एज वेल इसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आई रहे हैं इसमें कोई डाउट करने वाली बात है नहीं और इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कुछ और चीजों की तो देखिए ये शेयर थोड़ा सा अग ये जो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाले जैसे ही रिजल्ट आ देंगे पंद्रह परसेंट तो ये आपको मिलता हुआ नजर आएगा बट ये हमेशा आपने देखा ही है जैसे ही गिरता है उसके बाद और तेज भगता हुआ दिखाई देता है दोबारा यहाँ पर इसी तरीके की तेजी आती हुई दिखाई देगी तो बाइंग सेलिंग की तो रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ आपको, आपको पोजिशन लेनी है बाकी बेहतरीन स्टॉक्स है फंडामेंटली स्टॉक शेयर जब आपको पंद्रह से बीस नीचे मिल जाते हैं एज वेल एज कुछ शेयर यहाँ पर फिफ्टी डीएम जो दिखा रहे हैं के आसपास फिफ्टी डीएमए के आसपास लेके मूव करते हैं तो ऐसी डीएम अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कभी-कभी मिलती है तो ऐसे में शेयर को खरीद लेना चाहिए इसलिए कहते हैं हमेशा शेयर को कहते हैं ना नीचे खरीदना चाहिए तो ये नीचे खरीदने वाला अपॉर्चुनिटी है बाकी आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो और दूसरे शेयर दूसरे लोगों के साथ भी यहां पर शेयर करें सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस